नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और जो मेरा नए फ्रेंड्स है, फर्स्ट टाइम ये चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस पठार को दुनिया की छत कहते हैं? किस पठार को दुनिया की छत कहते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं, पामीर का पठार को। पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका आंसर होगा एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो इसका आंसर होगा नील की खेती से। चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील की खेती से था। क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? किसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? इसका संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा बाबर। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ओके फ्रेंड्स, लोधी वंश का अंत हुआ था और मुगल वंश का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर छह देखते हैं, जैन धर्म के अनुसार तीर्थकरों की कुल संख्या है? जैन धर्म के अनुसार तीर्थकरों की कुल संख्या है? कितनी है तीर्थकरों की संख्या? तो वह है 24। जैन धर्म के अनुसार तीर्थकरों की कुल संख्या 24 है। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, अफगानिस्तान का मुख्य उद्योग क्या है? अफगानिस्तान का मुख्य उद्योग कौन सा है? इसका आंसर होगा कालीन बनाना। कालीन बनाना अफगानिस्तान का मुख्य उद्योग है। क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा सतलज नदी। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है। क्वेश्चन नंबर दस देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु का नाश करता है? कौन सा अम्ल है जो पेट के जीवाणु का नाश करता है? तो इसका आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पेट के जीवाणु का नाश करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, श्रीलंका में कौन सा शहर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? श्रीलंका का कौन सा शहर है जो बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा कैंडी। कैंडी एक श्रीलंका का शहर है जो बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो थे औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य में निपुण है? यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य में निपुण है? तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम नृत्य में निपुण थी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे कौन? थे स्वराज पार्टी के संस्थापक? तो इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहे, तो आपको इसी तरह जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।